Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. And very fresh good morning to all of you students. Student, everyone join your hands and close your eyes. We start before a day with prayer. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome. Someday, oh deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hanging hand, we will walk hanging hand, we will walk hanging hand someday, oh deep in my heart. I do believe we shall overcome someday. Now everyone open your eyes and open your words and sentence part 2. Now page open your page number 1 to 12. Revision you family words 1. Identify the picture and write the word in the space given. ये क्या है हमारा यू फैमिली वर्ड्स, यू फैमिली वर्ड्स. Which picture is this? This is a curve. How to write curve? C U B. C अ ब कब. कब यानी लायन या टाइगर के छोटे बेबी को कब कल बोलते हैं. फिर है जग. हाउ टू राइट जग? जे यू जी ज अ ग. जग यानी पानी का जग. फिर है हर्ट. हाउ टू राइट हर्ट? एच U T H A T. हट यानी झोपड़ी, हट यानी झोपड़ी. फिर आता है सन. हाउ टू राइट सन? S U N. सन यानी सूर्य, सन यानी सूर्य. फिर आता है नेक्स्ट पिक्चर इज बर्ड. हाउ टू राइट बर्ड? B U D B A D. बर्ड यानी ये फ्लावर की कली होती है ना, उसको हम बर्ड बोलते हैं. फिर है हग. हाउ टू राइट हग? H U G H A G. हग यानी गले मिलना, हग यानी एक दूसरे को गले मिलना. फिर है टब. हाउ टू राइट टब? T U B T A B. टब यानी पानी भरने का बर्तन, इसको हम टब बोलते हैं. फिर आता है पप. हाउ टू राइट पप? P U P P A P. पप यानी डॉगी के छोटे बेबी को पप बोलते हैं. और लायन के और टाइगर के बेबी को कब बोलते हैं. फिर आता है मड. देखो इधर एरो किया हुआ है. हाउ टू राइट मड? एम यू डी ड. मड यानी गीली मिट्टी या कीचड़, को हम मड बोलते हैं. फिर आता है बस. हाउ टू राइट बस? बी यू एस. बस यानी अब जिसमें बैठ के स्कूल जाते हो ना, उसको बस बोलते हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज कप. हाउ टू राइट कप? सी यू पी क अ प. कप यानी जिसमें आप चाय दूध कॉफ़ी पीते हो ना, उसको कप बोलते हैं. फिर है रग. हाउ टू राइट रग? आर यू जी
रग यानी गालीचा, रग यानी गालीचा। फिर है कट, हाउ टू राइट कट, सी यू टी क अ ट, कट यानी ये कट करना, कोई भी चीज को कट करना। फिर है बन, हाउ टू राइट बन, बी यू एन ब अ बन यानी मीठी ब्रेड, उसको बन बोलते हैं। फिर आता है गम, जी यू एम ग अ गम यानी ग्लू, जिससे आप पेपर चिपकाते हो ना उसको गम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज बग, हाउ टू राइट बग, बी यू जी ब अ ग बग यानी कीड़ा, बग यानी कीड़ा। फिर आता है मग, हाउ टू राइट मग, एम यू जी, एंड लास्ट वन इज नट, हाउ टू राइट नट, एन यू टी, नट यानी अखरोट। ओके, तो ये हुआ हमारा यू फैमिली वर्ड्स रिवीजन। ओके, ये आपको सारे पेज नंबर 12 पूरा कंप्लीट करना है। ओके, बाय एवरीवन।